आइए दोस्तों, आज मिलते हैं एक नहीं दो बड़े हस्ती से जिनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। एक जो है बिस्ट रॉबिन और दूसरे जयांशु, दोनों के बारे में, दोनों बड़े नामचीन हस्ती है क्रिकेट में, अपनी अपनी जगह बना चुके, अच्छा क्रिकेट खेल चुके, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, इंडिया ए टीम, चैलेंजर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस उनके बारे में। मैं चाहता हूँ कि मेरे बताने से अच्छा आप लोग के उनके जबानी हम लोग सुनना चाहते हैं। आइए मिलते हैं रॉबिन और जयांशु से, हमारे आज के को पार्टनर है क्रिकेट ग्राफ की तरफ से और दूसरे हमारे हेल एनर्जी ड्रिंक की तरफ से। मैं आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम रॉबिन एंड वेलकम जयांशु। थैंक यू जलाल जी। तो मैं पहले जयांशु के बारे में जानना चाहूंगा। जयांशु, आपका क्रिकेट सफर कैसा रहा? तो जलाल जी, मैंने आज से 8 साल पहले क्रिकेट स्टार्ट करी थी, एंड दिल्ली से स्टार्ट करी थी मैंने पहले। तो मैं पहले दिल्ली से अंडर 14 खेला, अंडर 16 खेला, एंड दिल्ली में क्या है, अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम मिलती हैं जी, एंड थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर रहता है, आपका एसोसिएशन का थोड़ा स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। तो उसके बाद आया, शिफ्टेड टू राजस्थान, रॉबिन भैया के साथ ही मैं राजस्थान मतलब के सफर पे निकल गया। तो वहाँ पे मैं लास्ट ईयर अभी रणजी ट्रॉफी प्रोबेबल था, तो ड्यू टू सम इंजरी इश्यूज आई हैड टू गेट माय नेम बैक फ्रॉम द टीम, तो इसलिए मैं वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। एंड बाकी अभी मैं लास्ट 6 साल से दिल्ली के टॉप मोस्ट क्लब को मैं ओन करता हूँ, संभाल रहा हूँ। आई एम द को-फाउंडर ऑफ कोलाज स्पोर्ट्स क्लब। तो लास्ट 6 साल से अभी हमारी खुद की एक अकेडमी है चाणक्यपुरी में, वी आर ओपनिंग अप इन खान मार्केट, एंड हम ऑल ओवर इंडिया जितने भी बेस्ट टूर्नामेंट्स होते हैं उन्हें खेलते हैं, उनके फाइनलिस्ट रहते हैं, उन्हें जीतते भी हैं। सो एक प्रॉपर हमारे पास पूरा पैकेज रहता है किसी भी प्लेयर को डेवलप करने का, एंड हमारा खुद का एक मर्चेंडाइज लाइन भी अभी हमने स्टार्ट करा है रिसेंटली, हम जिंक्स विटामिन सी सारे सप्लीमेंटेशन भी अभी हमने स्टार्ट करा है। तो काफी लाइक अच्छा एक जर्नी रहा है मेरा क्रिकेट की एक उसमें, एंड काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं यहां रोकना चाहूंगा, ये कोलाज स्पोर्ट्स क्लब ये तो बाद में आया, पहले तो आप प्लेयर बने ना, आप अंडर 14 अंडर 16 डीसीए के लिए खेल चुके, मुझे थोड़ा उसके बारे में जानकारी चाहिए थी कि भाई उस समय में जो ग्रास रूट प्लेयर को लिया जाता था, जो देखा जाता था, और आज का 8 साल के बाद में दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन या जहाँ भी आप राजस्थान में हो, तो बदलाव काफी आया है। सो क्या बदलाव फील करते हो? तो मैं आपका अंडर 14 और अंडर 16 में जाना चाहता हूँ कि भाई कैसा सफर रहा आपका वहाँ। तो अंडर 14 अंडर 16 में पहले क्या होता था जलाल जी की एक है ना ओपन ट्रायल होता था, तो वहां पे सीधा ही आपके कम से कम 10-20 हजार बच्चे आते थे ट्रायल पे, ट्रायल चलते थे 20-20 दिन तक, नेट पे ट्रायल चलते थे, फिर वो सॉर्ट होते होते 10,000 से 5,000, 5,000 से 1,000, ऐसे करते करते 100 बच्चे रह जाते थे। 100 बच्चों में फिर वो मैचेस हमारे एक चलते थे, एक अंडर 14 की छोटी सी लीग कराते थे, वो वहां पे आपको परफॉर्म करना होता था, फिर आपका 30 का स्क्वाड बनता था, आपस में खेलते थे, फिर आपका अंडर 14 के उसमें नाम आता था। फिर अंडर 16 में डीडीसीए ने मेरे साल के टाइम पे उन्होंने अंडर 16 का लीग कराया था क्लब्स के बीच में, हर क्लब से 11-11, 15-15 बच्चों के नाम लिए थे, एंड अंडर 16 की लीग होती थी, उसमें जो अच्छा परफॉर्म करता था उसमें मेरे ख्याल से 3-3 मैच मिलते थे, उसमें जो अच्छा परफॉर्म करता था उसको सीधा ही 50 लड़कों के कैंप में बुलाया जाता था, एंड वहां पे ट्रायल मैचेस होते थे, वहां पे आप परफॉर्म करते थे तो आपको अंडर 16 की टीम में जगह मिलती थी जी। तो आज की डेट में थोड़ा सा अभी डीडीसीए में अगर मैं बात करूं तो एसोसिएशन का थोड़ा सा माहौल डिफरेंट हो चुका है, अभी अंडर 14 अंडर 16 के बच्चों को भी आप सीधा, जैसे मैं हमारा क्लब है खुद का, तो अंडर 14 अंडर 16 के बच्चों को हम रेकमेंड करते हैं कि ये 4 बच्चे हैं हमारे क्लब से, हम नाम देते हैं, एंड फिर उनके कैंप लगते हैं, नेट सेशंस होते हैं, वो पूरा मेरे ख्याल से 250-400 बच्चे वहां पे रहते हैं, पूरा कैंप वैम्प लगता है, एंड उसके बाद उसमें से सॉर्ट करते 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 वो 40-50 की लिस्ट बनाते हैं, वहां पे फिर उनके 1 या 2 ट्रायल मैचेस होते हैं। मेरे टाइम पे क्या मैचेस बहुत सारे मिलते थे हमें, कि कहीं स्कूल के टूर्नामेंट से आपको पिक कर लिया, कहीं कुछ पे, अभी इस टाइम पे स्कूल की क्रिकेट भी इतनी नहीं होती है दिल्ली में। बिल्कुल नहीं, यही मैं जैसे कि अभी ग्रास रूट में आपने बताया कि भाई स्कूल क्रिकेट हो रहा है, तो स्कूल क्रिकेट का माहौल दिल्ली में नहीं है, कम है वहाँ क्रिकेट का? दिल्ली में स्कूल क्रिकेट का माहौल आप एब्सोल्युटली जीरो मानिए, और सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम जो मैं मानता हूँ कि हम 14-15 ईयर्स के हुआ करते थे या छोटे से ही हुआ करते थे, उसी में हमें सिर्फ T20 मैचेस मिलते थे जी, तो हमारा टेक्निकल एस्पेक्ट इतना ज्यादा हमारा लाइक रिफाइन नहीं हो पाया हमें T20 क्या है कि अब स्कूल में हमारा दिल्ली डेयरडेविल्स का एक टूर्नामेंट होता है यहाँ पे T20 दिल्ली में सारे स्कूल्स के बीच में,
तो अब हम उसी लाइन में ज्यादा घुस जाते हैं कि आपने सुना होगा दिल्ली का क्रिकेटर वनडे टी ट्वेंटी बहुत अच्छा खेलता है, ने बल्ला चला के खेलते आप लोग, कि बल्ला चला के खेलता है, बाहर के बॉल पे बैट फेंक के खेलता है। बिल्कुल, तो बचपन से ही हमारा माहौल ऐसा बना कि हम बैट फेंकना ही सीख गए वहां से, कि टी ट्वेंटी ही खेली हमने। इवन वनडे क्रिकेट भी हमने बहुत लेट आके, ट्वेल्थ के बाद आके खेली, क्योंकि हमारे टाइम पे टूर्नामेंट्स इतने 40 ओवर 50 ओवर तो हम खेलते ही नहीं, 40 ओवर या 20 ओवर या बीच बीच में 30 ओवर्स के गेम, कभी कभी 15 ओवर का भी टूर्नामेंट हो जाता था, तो हम बहुत शॉर्टर फॉर्मेट्स में ही खेले। तो और अंडर 14 और अंडर 16 की क्रिकेट सारी डेज की होती है, तो हमने बहुत स्ट्रगल करा फिर वहां पे जाके कि कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे क्या करना है। तो दिल्ली में कल्चर सिर्फ आपका 20 से 40 ओवर के बीच में ही है, कोई डेज क्रिकेट का कल्चर नहीं है, और स्कूल क्रिकेट बिल्कुल ही नहीं है, एक या दो टूर्नामेंट्स होते हैं। नहीं, अभी जैसे कि ये डेज क्रिकेट और ये टी20 का भी, अगर बचपन से ही बच्चों को अगर टी20 का क्रिकेट, तो फिर डेज क्रिकेट में काफी दिक्कत है, जैसे आपने बताया। हाँ जी, आपके बोर्ड के जो भी मैचेस है अंडर 16 या 19 के, आपके 3 डेज होते हैं। अभी चलो वहाँ भी वो फॉर्मेट आ गया है, 3 डेज का वगैरह, 1 डेज है उसमें भी, तो 3 डेज के मैचेस में फिर कैसा, कैसे हाउ यू मैनेज, कैसे मैनेज करते थे आप लोग? जलाल जी तब तो बहुत इमेच्योर थे, तब आइडिया भी नहीं था, एंड तब मैं मीडियम पेस बॉलिंग करा करता था, तो स्कूल क्रिकेट खेल खेल कर कटर वटर फेंकने की ज्यादा आदत हो गई, वो अभी भी नहीं छूट रही है। सो डेज का मैच अभी, इवन जैसे रॉबिन भैया को तो एक्सपीरियंस पता है मेरा, डेज के मैच में भी है ना, हम लाइक आदत नहीं रहती है, यू हैव टू स्विंग द बॉल और यू नो यू हैव टू स्टिक टू योर बेसिक्स फॉर द होल डे, तो वो आदत एक बार छूट जाती है, वो बॉडी मैकेनिक्स छूट जाते हैं आपके। तो फिर जब थोड़े मैच्योर हुए, थोड़ा समझ आया, तो फिर हमने डेज क्रिकेट के हिसाब से भी तैयारियां शुरू करी, कि हाँ मतलब थोड़ा बेसिक्स पे ध्यान देते हैं हम एक दो महीना पहले, क्योंकि दिल्ली में मतलब एक भी आपको मैं लेजिट कह सकता हूँ, क्योंकि मैं तो दिल्ली क्रिकेट में ही सारा मेरा पूरा लाइफ निकला है अभी जितना भी है, तो उसमें एक भी टूर्नामेंट नहीं होता जो डेज क्रिकेट का होता है, इवन 50 ओवर फॉर्मेट नहीं होता है यहाँ पे। जयंशु, इसके बाद थोड़ा मैं ऐड करना चाहूंगा, अभी 14-16 में तो कोई नामचीन प्लेयर भी आपके साथ में रह रहेगा टीम में, जिनके अभी जो इंडिया प्लेयर है या जो नॉकिंग डोर पे है, कोई बंदे थे आपके साथ में? मेरे बैच में, हमारे एकेडमी में, बैच में, आपके स्टेट के टीम में? मेरे बैच में सर, मैं जब 19 दिल्ली से मैं प्रोबेबल था, मैं स्टैंड बाय था, तब ऋषभ पंत और वो वाला टाइम चल रहा था, ऋषभ पंत, हिम्मत सिंह और ये सारा था। बाकी मेरे साथ के जितने भी प्लेयर्स हैं आज के डेट में, मनजोत कालरा मेरे साथ लाइक अंडर 14 अंडर 16 खेला है, फिर एक हर्ष त्यागी लड़का है, वो अब रेलवे से रणजी ट्रॉफी खेल रहा है। तो पर हमारे बैच से थोड़ा दिल्ली से कम गए हैं, मेरे से 2 साल ऊपर के बैच से ऋषभ पंत, हिम्मत सिंह, बहुत अच्छा एक पैक बना हुआ था उस टाइम पे। थोड़ा मैं आपको, जैसे कि अभी आप तो यहाँ डीवाई पाटिल के टूर्नामेंट आके खेलते हैं कॉर्पोरेट, वो भी टी20 की है, बट थोड़ा हमारे मुंबई, यहाँ के मुंबई क्रिकेट या जो महाराष्ट्र क्रिकेट के बारे में बता दो, महाराष्ट्र तो नहीं बट मुंबई के क्रिकेट में जहाँ मैं रहता हूँ, हमारे यहाँ हमारे स्कूल क्रिकेट तो हमने काफी एनलार्ज किया है, हमारे यहाँ गायछिल हरिशिल टूर्नामेंट होती है, सब जितने भी प्लेयर है हमारे यहाँ, इवन सचिन सर से ले लो, सचिन जो गॉड ऑफ क्रिकेट मानते हैं हम लोग, सब ये बच्चे लोग सब स्कूल क्रिकेट से हाईलाइट्स होते गए हैं क्रिकेट, वहाँ भी स्कूल की भी क्रिकेट 2 डेज की होती है, उसके बाद में हमारे यहाँ 20 से 25 सेंटर लगते हैं समर कैंप में, हर समर कैंप में 14-16-19 कैसे बच्चे चुन के हम लोग उनकी टीम बना के उनकी टूर्नामेंट, 2 डेज की टूर्नामेंट होती है, उसमें से फिर प्रोबेबिलिटीज निकाला जाता है, तो ये मुंबई का फंडा है हमारे यहाँ का। बट अभी आप लोग कैसा, जैसे आप लोग तो बल्ला चला के खेलते हो और फास्ट क्रिकेट में मीन्स काफी डेवलपमेंट भी काफी हो गई अभी, और क्रिकेट अभी एक जैसा नहीं रहा है। जयंशु, आपके बारे में तो काफी जानकारी मिल गई मुझे, मैं बिश रॉबिन के बारे में जानकारी चाहता हूँ कि भाई आपका क्रिकेट सफर कैसा रहा, जो आज तक आप अभी प्रोफेशनल प्लेयर हो, आज तक अभी तक खेल रहे हो, तो आपका सफर कैसा रहा? पहली चीज तो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, सफर तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग भी चल रहा है मेरा। मैं पिछले 14 साल से रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूँ, 3 बार मैं इंडिया की टीम में भी रहा, और 8 साल में दुलीप ट्रॉफी खेला हूँ, और दुलीप ट्रॉफी चैंपियंस भी रहे हैं, देवधर ट्रॉफी में 7 साल खेला हूँ, ईरानी ट्रॉफी में 2 साल खेला हूँ, मतलब मैंने इंडिया छोड़ के अभी मैंने सारी क्रिकेट खेले, आईपीएल में मैं 2 साल था दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ। तो बाय द ब्लेसिंग ऑफ माय गॉड, मेरे को जो मैं मतलब मेरी मेहनत से डिजर्व करता था उतना बहुत अच्छा मिला, और आई एम ग्रेटफुल कि अभी सफर बहुत अच्छा चल रहा है। रॉबिन, अभी आपका सरनेम कैसा, बिस्ट रॉबिन, रॉबिन नाम है या बिस्ट नाम है, बिस्ट सरनेम होगा? रॉबिन, रॉबिन बिस्ट, रॉबिन, रॉबिन सरनेम।
रॉबिन, मैं एक बारे में जानना चाहता हूँ आपके, कि आपका जो स्कूल क्रिकेट का, जैसा अभी जेम्स ने बताया अंडर 14 अंडर 16 का, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, वो सफर कैसा रहा? और उस इन दौरान आपके कोचेस वगैरह कौन थे, थोड़ा उसकी जानकारी चाहिए मुझे। बेसिकली सर मेरे कोच बड़े स्मॉल टाउन से आते हैं, और स्मॉल टाउन तो नहीं लेकिन यूपी का तो वो बड़ा बहुत बड़ा शहर है, लखनऊ शहर है जी। मिस्टर राकेश राय मेरे कोच रहे, स्कूल में कोच रहे, और इसमें ही मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, इसमें मैं थोड़ा डिफरेंस रहेगा मेरा और जयांशु के आंसर्स में, उसके और मेरे में एक्चुअली एज गैप नहीं जनरेशन गैप है। ही इज वेरी यंग, मैं जब जयांशु से मिला था, जयांशु 10-11 साल का बच्चा था, क्या बात है, और बड़ा प्यारा सा बच्चा था और मतलब बड़ा एंथुजियास्ट था। जयांशु से पहले मेरी उसके डैड से बात हुई थी जब वो क्रिकेट खेलना चाहता था, और इसके अंदर हमेशा से एक आज भी ये चीज रही है कि he wants to get better with the time, जो बहुत कम लोगों में होता है जी, बिल्कुल। और क्योंकि कई लोग फंसी होते हैं कि नहीं मैं ये हूँ मैं यही रहूंगा, he was not like that। तो हम लोगों इसने मतलब मैंने और इसने साथ में ही प्रैक्टिस करना शुरू किया, पर बहरहाल कि मैं चलो दूसरे वे में पहुंच गया हूँ। मेरा स्कूल क्रिकेट एक्चुअली मेरा जो करियर बना वो स्कूल क्रिकेट से ही बना। दिल्ली का स्कूल क्रिकेट जब मैं 2000 की बात बता रहा हूँ आपको, व्हेन आई वाज इन 7th और 8th क्लास, दिल्ली का स्कूल क्रिकेट बहुत अच्छा हुआ करता था, दो इट वाज ओनली मतलब 40 ओवर के गेम्स होते थे, T20 तो सर उस टाइम पे आया नहीं था। मैं तो जब रणजी ट्रॉफी खेल गया था मेरा पहला सीजन था, उसके बाद ही IPL आया था, तब पता चला था कि भाई 20 ओवर की क्रिकेट खेलेंगे तो खेलेंगे कैसे। तो उस टाइम पे 40 ओवर के गेम्स होते थे, राधा कृष्ण एक टूर्नामेंट होता था, चाचा नेहरू एक टूर्नामेंट होता था, पार्ले जी कप एक टूर्नामेंट होता था जिसमें हमने बंबई में आके बंबई को ही हराया था, हमने आके और बंबई में ही फाइनल था हम लोगों का, सारा टूर्नामेंट वो बंबई में ही था, आपको याद होगा शायद पार्ले जी कप, पार्ले जी नाम का एक कप होता था। तो बेसिकली जो मेरा नाम चला था, जो मैं दिल्ली से भी मैं अंडर 19 तक खेला हूँ, तो जो मेरा नाम चला वो दिल्ली के ही स्कूल सर्किट के ही क्रिकेट से चला। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप, जैसे मैं बॉम्बे की क्रिकेट को बहुत बलीभांति जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे जो भी मेरे जो इंडिया ए मेट्स थे, अजिंक्य थे, रोहित थे, ये लोग बात करते थे स्कूल क्रिकेट के बारे में। और जैसे अभी आपका ये अरमान जाफर आया है, ये अपना पृथ्वी शॉ आया है, आपका ये सरफराज खान जो लड़का है, ये सारे स्कूल क्रिकेट से ही आए हुए हैं सारे के सारे लड़के। इन लोगों का नाम स्टेट में उतना नहीं, उतना स्टेट में आने से पहले इनका इतना नाम होता है कि इन्होंने स्कूल क्रिकेट में वहां 500 रन बना दिए, उसने 600 रन बना दिए, उसने 800 रन बना दिए। तो एक कैरेक्टर पता चलता है बच्चे का कि यार ये बड़े रन, मतलब एपेटाइट बड़ी है इन बच्चों की। देखिए स्कूल क्रिकेट में और स्टेट क्रिकेट में, सर आपने भी इतने साल क्रिकेट देखी होगी, स्कूल क्रिकेट स्टेट क्रिकेट में फर्क क्या होता है, जब आगे से बोलते हैं ना क्रिकेटर की भाषा में, जब आगे से बॉल स्विंग होना शुरू होता है तब आपके कैरेक्टर का टेस्ट होता है, तब पता चलता है कि आप में स्किल लेवल कितना है। क्योंकि स्कूल के बच्चे आए पहला, क्योंकि मैं भी स्कूल क्रिकेट खेला हूँ, मैं भी स्कूल क्रिकेट से आया हूँ, मैं भी कॉलेज क्रिकेट से आया हूँ, पता है कि जब उसने पहली बॉल ही बाउंसर मारनी है, फिर उसने एक बॉल कट की दे देनी है, फिर उसने एक बॉल पैर पे दे देनी है, तो मेरे को पता है कि मैंने रन बना देने हैं। लेकिन जब आप स्टेट के लिए आते हैं, आपको भी डिसिप्लिन, आपका स्किल लेवल बहुत ऊपर होना चाहिए। तो ये चीजें मेरे को स्कूल लेवल में ही पता चल गई थी, क्योंकि जब मैं स्कूल लेवल में खेलता था तो बड़े टूर्नामेंट्स के लिए मुझे बड़े क्लब्स बुलाया करते थे, तो हमारे कोच साहब सिर्फ हमें एक ही चीज बोलते थे कि मिड ऑन मिड ऑफ से बॉल इधर नहीं जाना चाहिए, सिर्फ मिड ऑन और मिड ऑफ, तो हमें वही पता था। तो हमारा भी जो मैं जो क्रिकेटर रहा हूं, मैं हमेशा कन्वेंशनल क्रिकेट रहा हूं, जानशु इतने साल से देखता ही है, पर वो कन्वेंशनल क्रिकेट में भी मेरे को पता है कि मैं एक ओवर में मेरे को 10 रन कैसे बनाने हैं, एक ओवर मुझे 15 रन कैसे बनाने। बेसिकली आज के जो प्लेयर्स, आज भी जो प्लेयर्स आ रहे हैं बड़े अच्छे क्रिकेटर्स आ रहे हैं, नो डाउट, लेकिन मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि सिंगल और डबल्स का जो एक बोलते ना कि जो एक मिक्सचर होता है, जो एक बड़ा मजेदार मिक्सचर होता है, उसके बाद एक अगर आप चौका भी मारेंगे तो वो सिंगल के साथ आपके 5 रन होने वाले, लेकिन आप सिर्फ चौके के लिए खड़े रहेंगे तो आप 4 बॉलों में 4 रन पे खेल रहे हो। बिल्कुल सही बात है। तो ये अभी ये अगर आप देखोगे IPL में भी देखोगे, जो बच्चे लोग अभी खेल रहे हैं उनका भी यही फर्क है, अभी वो या तो मार रहे या वो फिर रोक रहे। सिंगल्स जो सुनील गावस्कर सर भी बोलते हैं कि सिंगल्स कहाँ है, वेयर आर द सिंगल्स। तो ये सब जो चीजें है ना, छोटी छोटी चीजें, ये स्कूल क्रिकेट में हो गई, ये इधर से ही पता चलती है। जब आप नीचे खेलोगे तभी तो सिंगल लोगे, ऊपर मारने जाओगे तो सिंगल तो आएगा। तो हमारे कोच साहब यही बोलते थे कि
आपने एयर पे मारा तो 50% आप आउट हो। बट अभी तो क्रिकेट काफी बदल गया, जो पहले के कोच थे बोलते थे कारपेट स्ट्रोक होना चाहिए, वी में होना चाहिए, अभी तो 360 ग्राउंड बन गया है, तो बच्चे लोग पहले दिन से मेरे ख्याल से। सर मैं अगर आपको रॉबिन एक बात इधर मैं आप ज्ञानशु से थोड़ा मैं पूछ लेता हूँ, कि ज्ञानशु ये आप एकेडमी चलाते हो तो कुछ बच्चे ऐसे भी आते ना पहले दिन से पूछते हमको जरा रिवर्स स्वीप सिखाओ। सर आईपीएल खिलाओ। नहीं सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, चलो बच्चे ने फिर भी चलो इतना क्रिकेट नहीं देखा होता या रिवर्स स्वीप नहीं देखा होता तो उनके ना काफी बार मेरे को पेरेंट्स आके कहते हैं कि यार मेरा बच्चा रिवर्स स्वीप ही नहीं मार रहा, वो डिविलियर्स की तरह उसे स्कूप तो बताओ ऐसे, वो स्कूप आजकल फाइन लेग ऊपर रहता है स्कूप मारना सिखाओ उसको। तो बच्चे ज्यादा मेरे पेरेंट्स का प्रेशर आ जाता है कि स्कूप नहीं मार रहा है बच्चा, ये बहुत ऐसा ट्रांजिशन बहुत ज्यादा आया है। नहीं काफी पेरेंट लोग का इन्वॉल्वमेंट काफी है और ये मीडिया टीवी जो हम लोग देखते हैं तो इवन मेरे एकेडमी मेरे पास भी बच्चा आके बोलता है सर मुझे वो रिवर्स स्वीप सीखना है, मतलब मेरे बाप ने नहीं खेला भाई कभी रिवर्स स्वीप, मैं सीधा बल्लेबाज वी में खेलने वाला, जैसे रॉबी ने बताया वी में खेल के रन बनाने वाला बंदा हूँ मैं, ये मुझे आता नहीं है भाई। तो ये सब माहौल अभी नहीं क्रिकेट चेंज हो गया तो रॉबिन एक छोटा सा इस पे पॉइंट और ऐड करूंगा कि आजकल है ना सोशल मीडिया बहुत आ गया है। बिल्कुल, तो अब सोशल मीडिया पे क्या है कि कोई बच्चे ने स्कूप मारते हुए रिवर्स स्वीप मारते हुए कोई अगर वीडियो डाला ना तो उस पे आएंगे कम से कम 100 लाइक्स, सीधा सीधा खेलते हुए डाला ना तो सोचेंगे यार क्या बोर कर रहा है, तो ये बड़ा बड़ा ये बच्चे के माइंड के साथ खेलने वाली चीजें है। बिल्कुल नहीं जयंश ये बात इधर भी मैं बताता हूँ क्योंकि ये सब चीजें उनके पेरेंट्स उनको कोच पे ट्रस्ट नहीं है, वो घर पे जाके बच्चों को ये सब ट्रेनिंग चलती है भाई रिवर्स स्वीप कैसा जाता है घर पे ट्रेनिंग पे, पेरेंट्स भी कोच हो गए आज के तारीख में, मींस सॉरी टू से मैं ये टॉपिक इधर ये नहीं करना चाहता हूँ बट ये माहौल है ऐसा आज के तारीख में। या रॉबिन प्लीज कंटिन्यू सॉरी। एक्चुअली जैसे अभी आपने बोला ना कि कोचेस बड़े कन्वेंशनल कोचेस होते थे, अलोंग द कार्पेट खेलना है ना, ऊपर नहीं मारना है, उनके कहने का मतलब ये नहीं होता था कि आपने ऊपर नहीं मारना है, जब आपको जरूरत है तो सर सुनील गावस्कर ने भी ऊपर मारा उनसे, मुझे नहीं लगता सचिन तेंदुलकर सुनील गावस्कर यू नो इनसे बड़े कोई हमारे पास प्लेयर्स हुए, मतलब ऑफ कोर्स विराट कोहली नाउ ही इज अ लेजेंड, रोहित शर्मा आप उनको लेजेंड ही मानते हैं ना, बहुत बड़े क्रिकेटर्स हैं नो डाउट, क्या वो ऊपर नहीं मारते? लेकिन हमारे कोचेस ने हमेशा सर माँ बाप अगर बच्चे को फॉर एग्जाम्पल कोई चीज ये बोलेगा ना कि बेटा ये सही चीज करनी है गलत चीज नहीं करनी, गलत बोलते ना इंसान तो गलतियों का पुतला है जी। लेकिन बेसिकली हमारे माँ बाप हमें सही चीज करने के लिए बोलते हैं ना, वैसे ही एक कोच होता है, वो कभी कोच ये नहीं बोलेगा कि बेटा ऊपर मार के खेलो, वो यही बोलेगा नीचे खेलो, और इसमें कोई गलत चीज भी नहीं है, जब आप कन्वेंशनल क्रिकेट खेलोगे तभी आपको अपने बेसिक्स का पता चलेगा, तभी आपके स्किल लेवल अच्छे होंगे और आप अपने आप को जान पाओगे कि मैं ये क्रिकेट से जो रिस्क फ्री क्रिकेट है, जिस रिस्क फ्री, एक तो रिस्क फ्री क्रिकेट आपको सबसे बड़ी बात है आपको कंसिस्टेंट बनाती है, कंसिस्टेंसी दोगे तो ही तो सिलेक्शन में आओगे या सिलेक्शन होगी, 100 बना के, सर एक चीज बताओ आपने 200 बॉल खेल के 100 बना के सिलेक्शन होगी कि आपको 20 बॉल खेल के 50 रन बना के आपकी सिलेक्शन होगी, मुझे आप ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल कन्वेंशनल क्रिकेट है ना, जब आप कन्वेंशनल सर, और आज के दिन में विराट कोहली नाम ले रहा हूँ, विराट कोहली, केन विलियमसन और आपको अजिंक्य रहाणे, इन लोगों ने आईपीएल में परफॉर्मेंस नहीं दिए, बहुत परफॉर्मेंस दी है, केएल राहुल वो टेस्ट क्रिकेटर है, टेस्ट क्रिकेटर है आज, अभी ऑरेंज कैप है उसके पास, कन्वेंशनल क्रिकेटर ही है, इस डिफेंस जो आपका शॉट मारते हो ना वो जो अगर आप ड्राइव ही मारते हो तो डिफेंस का एक्सटेंशन ही है वो, कोई जब हम ड्राइव मार रहे हैं तो डिफेंस का सिर्फ एक्सटेंशन है, तो आपका हेड पोजिशन अगर सही होगा, आपने कन्वेंशनल क्रिकेट अच्छी खेली होगी, आपका स्किल लेवल अच्छा होगा, तभी तो आप ऊपर से भी चिप कर सकते हो, चिप करके चौका नहीं मार सकते, वो कितने छक्के मारता है केएल राहुल, तो ये जब चीजें हैं ये माँ बाप को इसलिए नहीं समझ में आ रही, जैसे आपने अभी बोला कि कोचिंग घर पे चलती है, वो इसलिए बिकॉज उन लोगों ने कभी क्रिकेट नहीं खेली, उन लोगों को क्रिकेट का पता नहीं है, आज के दिन में कोचेस को उनको ये बोलना चाहिए कि सर ये जो क्रिकेट आप मांग रहे हो उससे ये इसके 10 साल बाद की है जी। ये एक तपस्या है, ये 10 साल पहले तपस्या आपको 10 साल करनी पड़ेगी, फल उसके बाद मिलना शुरू होगा। जब मैं 10 साल का था जब मैंने क्रिकेट शुरू करी थी, नहीं ये सवाल मेरा वो जयंशु के लिए था कि जैसे कोलाज स्पोर्ट्स क्लब अपने एकेडमी रन कर रहे हो, अच्छी एकेडमी कर रहे हो, तो ये सब ये फेसेस हम लोग सब फेस कर रहे हैं, सबको ये क्वेश्चन है। रॉबिन
आपके बारे में मैं थोड़ा भी इधर आना चाहता हूँ फिर से, क्या ये आपका रणजी ट्रॉफी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आपने इतने सारे रन बनाए, आपका काफी रिकॉर्ड है, काफी रन बनाए और लगभग इतने 13-14 साल का आपका एक्सपीरियंस है, मीन्स अपने स्टेट से खेलने के अलावा आप अभी प्रोफेशनल दूसरे स्टेट के लिए भी खेल रहे हो, मैं एचपी के लिए खेले हो, सिक्किम के लिए अभी करंट खेल रहे हो, तो एज अ बैट्समैन आपके क्या मेंटल, कैसा आप मेंटल जो बोलते हैं हम लोग जो एक स्टेबिलिटी होना चाहिए, एक माइंडसेट होना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कैसे बच्चे लोगों को आप मोटिवेट करना चाहोगे, कैसा क्या सजेशन देना चाहोगे, कैसा माइंडसेट होना चाहिए? माइंडसेट सर, देखिए सर, जितना अच्छा आपका स्किल होगा उतना अच्छा आपका माइंडसेट होगा, दैट इज सिंपल। आपका स्किल, आपका स्किल जितना अच्छा है माइंडसेट उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता है मेरा हेड अच्छा आएगा, मेरा बैट अच्छा आएगा, मैं नीचे खेलूंगा तो मैं आउट नहीं होऊंगा, पहली चीज। और आजकल क्या होता है ना कि हम लोग क्या होता है कि बहुत ज्यादा डाउट्स क्रिएट करते हैं अपने माइंड में। मैं कभी भी डाउट्स क्रिएट नहीं करता, कभी भी नहीं। लोग बोलते हैं कल मैच है, नर्वसनेस, नर्वसनेस आना अच्छा है, लेकिन पहली चीज मैं उनसे यही पूछता हूँ कि आपको आपके डिफेंस पे भरोसा है क्या, आपको आपने ऑफ स्टंप का पता है कि आप ऑफ स्टंप की बॉल छोड़ सकते हो। ये मैं दो चीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप फंसते हो, जब एक अच्छी स्पेल चल रही होती है, अच्छी स्पेल इन द सेंस कि 10 पे आपके 3 आउट हो गए, आपका डेब्यू है, आपको रन बनाने, आप टीम से बाहर हो जाओगे, सिनेरियो। अगर आपके 10 पे 3 आउट हो गए और आपको रन बनाने हैं तो कैसे बनाओगे, जब आपका डिफेंस सॉलिड होगा और बाहर का बॉल आप छोड़ना जानते हो, शॉट है तो कुछ शॉट है तो आप अगर 10 साल का बच्चा ले आऊंगा वो भी मार देगा। और रॉबिन, ये 14 साल रणजी ट्रॉफी में आपके मेरे ख्याल से रन भी काफी, 7000 के ऊपर रन है आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और चैलेंजर ट्रॉफी इंडिया ए भी खेल चुके हैं, वहाँ भी रन है आपके, देवधर ट्रॉफी, जितने भी नॉकिंग डोर्स, इंडिया नॉकिंग डोर्स है, अनफॉर्चुनेटली मीन्स मे बी रॉबिन बिस्ट को मैं इंडिया टीम में देखना चाहता था मैं, बट ना रन करने के बाद भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये यंगस्टर्स को आप क्या कहना चाहोगे, कैसा उनको ये जो जैसा मैंने प्रिपरेशन बताया है या अंडर 14 अंडर 16 के प्लेयर को, हाउ टू दे सेटल, कैसे बड़े रन किया जाए? एक्चुअली सर, सबसे बड़ी चीज है कि आपका माइंडसेट कैसा है। आप टीम को, आप अपने लिए खेल रहे हैं, आप अपना 100 बनाने के लिए खेल रहे हैं, आप एज अ फिनिशर देखते हैं अपने आप को। जब मैं एज ए यंगस्टर खेलता था या मैं स्कूल कॉलेज या क्लब की टीम से भी खेलता था, तो मैं 3 नंबर का प्लेयर था, मतलब 3 नंबर में बैटिंग करता था। तो मैं ये सोचता था कि 40 ओवर का मैच होता था, मैं ये सोच के जाता था कि जब 40 ओवर की लास्ट बॉल तक मुझे वहां पे खेलना है, तो मैं एज अ ओपनर का भी रोल करता था और एज अ फिनिशर का भी रोल करता था। इसलिए जब मैं ऊपर क्रिकेट खेलने में गया, जब मैं ऊपर क्रिकेट अंडर 14, 16, 19 जब मैंने खेली और मैंने जब वहां पे भी रन्स बनाए, मैं रणजी ट्रॉफी में भी रन्स बनाए, तो ये मेरे को हैबिट हो गई मैच में पूरा खेलने की हैबिट होनी शुरू हो गई। जब मेरे को हैबिट होनी शुरू हो गई थी तो बेसिकली मेरे रन्स ना अपने आप, मैं मेरे को अपने आप ही रन्स मेरे फ्लो होते थे, मेरे को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि मेरे शॉट सिलेक्शंस इतने अच्छे हो गए थे कि मेरे को जब मैं रणजी ट्रॉफी में मेरा डेब्यू भी था, मैंने डेब्यू में भी अपना कुछ 70 समथिंग रन्स किए थे, तो तब भी मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही थी टू बी अ एक्स्ट्रॉर्डिनरी फील्डर। तब तुम सोचोगे कि हम स्टेट टीम में सर्वाइव कर सकते हैं, स्टेट टीम में सर्वाइव करोगे तभी ऊपर खेलोगे। आजकल क्या होता है कि छक्के, भाई साहब पहली बॉल से छक्के मार रहे हैं, अरे मैंने कहा भाई नेट खत्म हो जाए उसके बाद छक्के, किसी को बोलो कि मेरे को यहाँ फेंक और छक्के मारने की प्रैक्टिस कर ले, अगर तेरे को प्रैक्टिस करने का उतना ही है तो। अगर छक्के मारने की प्रैक्टिस कोई गलत चीज नहीं है, आज के दिन में आपको छक्के भी मारने पड़ते हैं और ऊपर भी खेलना पड़ता है, बाद में स्पेसिफिक प्रैक्टिस कर लो उसकी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कट अच्छा नहीं है तो आप 1000 बार कट मारोगे तो मैच में लग जाएगा ना कट आपका, तो वही चीज होती है आपकी बैटिंग में भी। वो पहली बॉल से जाके नया बॉल है, स्विंग हो रही है आउट स्विंग, और यहाँ पे मिड विकेट की तरफ बल्ला चला दिया, तो क्या करोगे आप, वही गधे वाली प्रैक्टिस हो रही है। नहीं, ये तो हम लोग को जो गधा और ये घोड़े के दोनों की कहावत सबको पता है कि दोनों में भी, दोनों दिखने में एक जैसे हैं पर दोनों के दौड़ते हैं तब तो उनका स्किल दोनों का पता चल जाता है, तो बच्चों को भी समझ जाता है कि भाई किस कैसा दौड़ना है, मुझे गधे जैसा दौड़ना है या हॉर्स जैसा दौड़ना है। वेरी नाइस एग्जाम्पल। हमारे कोच साहब, एक चीज और बताता हूँ सर इसमें, आपको एक पॉइंट और बताता हूँ, हमारे कोच साहब बोलते हैं बैट्समैनशिप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, I'm talking about batsmanship is the most difficult thing and the, or the most difficult sport in the world.
इन द वर्ल्ड किसी भी स्पोर्ट में सबसे मुश्किल स्पोर्ट है बैट्समैनशिप. आपको फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में आपको पैर भी चलने हैं, आपको सोचना भी है कैसे खेलना है. तो आपको सोचो आपको किस तरीके की मेहनत चाहिए, आपका माइंड सेटअप क्या होना चाहिए. इज इट इजी? इट्स नॉट इजी. और वो गेंद की रफ्तार भी तो अपने आज के तारे में 140 150 की रफ्तार से चल रही है, और आप तो खेल चुके, आईपीएल खेल चुके हो, देख चुके हो. अगर आगे पास एक सेकंड नहीं है उस बॉल को फेस करने के लिए, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड है सर, आधा सेकंड है उस बॉल को आपके पास ट्रैवल करने के लिए, और आपको उस पे शॉट लगानी है, तो आपका क्या माइंड सेटअप, किस तरीके की मेहनत चाहिए आपको? घोड़े वाली तो चाहिए, गले वाली तो चलेगी नहीं. तो ये अंडर 14 और 16 के बच्चे को एक कंप्लीट क्रिकेट बनने, कंप्लीट क्रिकेटर बनने के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे, कहाँ मेहनत करनी चाहिए? जैसे ये तो एग्जांपल तो काफी मोर बढ़िया रहा, एक कुछ ऐसे ड्रिल्स है जो हम लोग क्रिकेट में करते हैं या मैच में करते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करना, क्या मोटिवेशनल उनको बताओगे आप? बेसिकली सर, अगर मैं 16 साल के 14 साल के बच्चों के लिए अगर मैं नेट्स लगाऊं ना जी, मैं पहले ही उनके जो नेट की जो 22 गज की पट्टी है ना, वो पहले ही मैं 16 गज की कर दूंगी. कोन्स लगा दूं बॉलर के लिए, तुम्हें यहाँ फेंकना है, और बैट्समैन को मैं तीन स्टंप के बाद ना चौथा और पांचवा स्टंप की, अगर तुम्हारी बॉल इस पे लग रही है ना तो वेल प्लेड है, और तुम अगर इस बॉल की, इस वाली बॉल को अगर तुम मारने जा रहे हो तो यू आर नॉट अलाउड इन द नेट. ये एक प्रॉपर और स्ट्रिक्ट डिसीजन एक कोच का, कोच को लेना चाहिए उस बच्चे को, क्योंकि इसका मैं आपको फायदा बता देता हूँ. जब वो छोटी आप जगह से खेल रहे हो तो नेचुरल सी बात है वो बच्चे और तेज खेलने के लिए तो मतलब प्रिपेयर हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए अंडर 16 का बच्चा 120 की स्पीड से बॉल फेंक रहे हैं, तो उसके पास पहले ही वो 130 135 की खेल रहा है, वो 16-17 कदम से 130 तो फेंक ही लेगा फिर वो. और जब वो 130 फेंक लेगा तो नॉर्मल सी बात है कि वो मैच में जाके 120 वाले को बेटर तरीके से खेलेगा. चौथे पांचवे स्टंप में इसलिए लगा दूंगा कि वो बॉल बाहर का अच्छा छोड़ेगा, और अगर उसका डिफेंस अच्छा है तो सोने पे सुहागा. तो आप एक चीज बताइए, जितने भी आपने टेस्ट क्रिकेटर्स देखे हैं, वर्ल्ड के जितने भी बेस्ट क्रिकेटर्स देखे हैं जी, ये लोगों का डिफेंस जो होता है वो रॉक्स. राहुल द्रविड़ का सबसे बेस्ट चीज क्या थी? उसका कवर ड्राइव नहीं, उसका डिफेंस. ये मैंने इतनी सामने से देखा सर, कवर्स पे खड़ा था मैं, दिलीप ट्रॉफी का मैच चल रहा था हम लोगों का जी, जब राहुल द्रविड़ बैटिंग करने हैं, तीन नंबर बैटिंग करने हैं सर, आधी विकेट पे उमेश यादव को 140 की बॉल को आधे विकेट पे आप पैर निकाल के कैसे डिफेंस कर सकते हो? उस दिन सीखा मैंने कि ये कितना जरूरी है. अगर आपको डिफेंस अच्छा है तो आप अच्छे बॉलर्स को सरवाइव कर जाएंगे खराब विकेट पे, जिस एज इफ जो आजकल हमें सीमिंग ट्रैक्स और अनशन ट्रैक्स कई बार मिलते हैं, उस पे आप सरवाइव करना सीख जाएंगे, अच्छे स्पेल्स निकालना सीख जाएंगे. जब ना ये दोनों चीज सीख ली तो रन तो फ्लो होंगे आपके. अच्छा क्लब तीसरा आ गया आपकी एकेडमी, मींस एकेडमी शुड बी एफिलिएटेड होना चाहिए किसी क्लब से या किसी चीज एसोसिएशन, डीडीसी से एफिलिएटेड एकेडमी होनी चाहिए. आप वहां पे ही जाओ वरना मत जाओ, वरना पूरी लाइफ इधर से उधर भागते रहोगे कि मेरे को यहाँ से रिक्वेस्ट करते रहोगे कि सर आप खिला लो, सर आप खिला लो. वो बच्चा फिर क्या पूरे दिन मेट्रो में इधर से उधर धक्के ही खाता रहता है. ये रॉबिन विया को बहुत अच्छे से पता है कि इतने हमने प्लेयर देख लिए कोलाज में जो सर मतलब आप ये मानिए 70-70 किलोमीटर दूर से हमारे पास प्लेयर आता है कि मेरे को आप एक अपॉर्चुनिटी दे दो. 100 किलोमीटर ये छोड़ो, राजस्थान से लड़के हमारे पास आ रहे हैं रॉबिन विया की डिस्ट्रिक्ट से. क्या बात है, एक अपॉर्चुनिटी के लिए को एज ए प्लेयर डेवलप करता है. एंड क्लब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो आपको इतने अच्छे अच्छे मैचेस खिलाता है. तो किसी भी अगर कोई भी यंगस्टर दिल्ली मुंबई कहीं पे भी, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी जा रहा है, तो उसे सबसे पहले एक अच्छा क्लब ढूंढना चाहिए. और अच्छे क्लब में 90% चांस है आपको एक अच्छा कोच भी मिलता है जो आप पे ध्यान देता है, 10 चीजें करते हैं. तो क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे आपको दिल्ली में ऐसे प्लेयर्स मिलेंगे जो स्किल वाइज बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर उन्हें अच्छे मैचेस नहीं मिलते तो वो लाइमलाइट में नहीं आते, हाईलाइट नहीं होते, न्यूज़पेपर में कटिंग नहीं आती. और कुछ कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो रेगुलरली अच्छे मैचेस खेल रहे हैं पर वो स्पार्क नहीं होता उनमें. तो वो एक बैलेंस जो होता है वो बहुत बना के रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है. क्योंकि दिल्ली में आपको जैसे मैंने बताया कि स्कूल क्रिकेट तो होती नहीं है अब इतनी, और स्कूल क्रिकेट होती भी है तो वहां से बच्चा हाईलाइट नहीं होता है. तो उसके अंदर अब जो दिल्ली में जो पैटर्न चलता है कि जैसे 120 क्लब है, 127 क्लब्स हैं, एंड आपकी टोटल 1600 अकेडमीज है दिल्ली एनसीआर में जी. तो बच्चा जो डीडीसी लीग होती है, जो मेन लीग होती है दिल्ली की, वो तो 127 क्लब से खेल सकता है जी. तो बाकी की आपकी 1600 लाइक 1600 आपका 1500 जो अकेडमीज है वो तो आपको नहीं खिला सकती.
तो वहां पे जो टैलेंटेड बच्चा भी है वो दिल्ली का प्लेटफॉर्म कैसे फेस करेगा, उस प्लेटफॉर्म पे कैसे आएगा, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है फिर कि यार मैं लीग कैसे खेलूं। जी, और लीग में भी सर 15 लड़के ही खेलेंगे। बिल्कुल, तो कितने से प्लेयर हो गए जो दिल्ली लीग खेल पाएंगे। तो अब उसमें क्या है कि यहाँ पे बच्चा मिस्टेक करता है बहुत बड़ी, कि कोई सी भी एकेडमी ज्वाइन कर लेता है और उसमें क्या है उसका डीडी से क्लब नहीं होता, डीडी से क्लब नहीं होता तो लीग नहीं खेल पाता, लीग में फिर अगर लीग ही नहीं खेलोगे तो रन कैसे करोगे, और रन नहीं करोगे तो आप रणजी ट्रॉफी या फिर 19 कैसे खेलोगे या 16 में कैसे आओगे, क्योंकि लीग में हमारे सर कोटा रहता है यहाँ पे। जी, 14 मैच में अंडर 14 का लड़का आपका 300 रन बनाएगा, अंडर 16 का लड़का 400 रन बनाएगा, रणजी ट्रॉफी वाला 800 बनाता है तब आता है नाम, डायरेक्ट एंट्री मिलती है, इतना यहाँ पे सीईसी का रूल है, इतना यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे दिक्कत यह है कि बच्चे ट्रायल पे इसलिए नहीं जा पा रहे या कैंप में इसलिए नहीं जा पा रहे कि लीग के मैच ही नहीं मिलते। जी, पता ही नहीं है डीडी से लीग क्या है, और 17-18 साल के हो गए तो उन्होंने अपना सीखने का पीरियड और परफॉर्म करने का पीरियड तो वैसे ही खो दिया। सही, तो ये अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। जी नहीं, जैसे कि आपने बताया कि अच्छा कोच, सही, बहुत बहुत सही है, क्योंकि ये अभी क्लब तक तो आ गया। तो मुझे अभी और एक क्वेश्चन, अभी मैं आप एक बहुत अहम क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जैसे एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं, बच्चे तैयार होते हैं, आप लोग मेहनत लेते हो, हाँ जी, अभी सिलेक्टर के रडार में आने के लिए भाई देखो सब मेहनत करते, टैलेंट सब में होता है, सब अपनी उम्मीदें लेके आते हैं, तो सिलेक्टर के रडार में आने के लिए मीन्स वो नहीं कि नमस्ते सर पैर छूने से या पानी लाओ के आपको, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे सर आपको इसके ऊपर? एक बहुत अच्छा फंडा बना, फ्रेंड चलता है, फोन ऑफ फ्रेंड चलता है, तो वही आप क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों को डेवलप करने के लिए कि भाई रडार में आने के लिए क्या करना चाहिए? सेम सवाल मैं रॉबिन को भी पूछूंगा बाद में। इसका है ना बड़ा अच्छा सा फंडा है सर दिल्ली में। दिल्ली में क्या होता है कि आपके ना रोज, आज भी अगर आप देखोगे तो 50 मैच कहीं ना कहीं चल रहे होंगे, पर 50 के 50 क्वालिटी मैच तो नहीं है, उसमें से इक्का दुक्का मैच क्वालिटी का मैच है जिसका न्यूज़पेपर कटिंग आएगा, अखबार में नाम आएगा, इवन क्रिकेट ग्राफ उसे कवर करेगा, ऐसा रहता है। तो अब उसके अंदर क्या होता है कि बच्चों को बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए कि सिलेक्टर के रडार में आने के लिए। अब जैसे क्या है कि दिल्ली में कम से कम 1000 टीमें होंगी, तो बच्चा लाइमलाइट में या हाईलाइट में, हाईलाइट कब होता है कि जब एक तो तरीका है आप डीडीसी लीग में सीधे ही 800 रन बना दो, पूरी बावाई पूरे दिल्ली में छा जाओगे यार 800 रन बना के आया, 1000 रन बना के आया। दूसरी हमारे ना 5-6 टूर्नामेंट्स होते हैं दिल्ली में, एक आपका रघुवीर होता है, लक्ष्मण दास हो गया, ओमनाथ सूद हो गया, आपका साहिबजादा हो गया, तो इसके है ना सेमीफाइनल और फाइनल में हमेशा कोई ना कोई आता है, या फिर वो लाइव आते हैं टीवी पर, या फिर ऐसा कुछ होता है इनमें, हमेशा होता है। और फाइनल में हमेशा आपको टीमें मिलेंगी, एयर इंडिया, FCI, RBI, इनकम टैक्स, बड़ी टीमें मिलती हैं। तो हमारा जैसे हम यूजुअली हर साल कम से कम 3 फाइनल तो खेलते ही खेलते हैं, मतलब हमारे पास तो प्लेयर ही एक रॉबिन बिस्ट ऐसे हर मैच में 100 बना ही देता हूँ, खेल ही जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एयर इंडिया में क्या है, हमेशा आप ये देखेंगे कि जो बड़े ये इंस्टीट्यूशनल क्लब्स होते हैं इनमें सिलेक्टर्स ही होते हैं यूजुअली, जैसे रजत भैया एयर इंडिया से खेलते हैं, मनविंदर बिस्ला भैया एयर इंडिया से खेलते हैं, या फिर ONGC से गौतम गंभीर भैया खेलते हैं, तो ये सारे इनका क्या आए रहता है प्लेयर पे, यार अच्छा इस प्लेयर ने ONGC के अगेंस्ट 100 बनाया है, तो वो भी यार देखते हैं उस लड़के को, आगे वर्ड पुट इन करते हैं, न्यूज़पेपर में नाम आता है, वो मैच की हाइलाइट्स चलती है 10 जगह, और उसमें क्या होता है सिलेक्टर तक वो बात पहुंचती है। दिल्ली में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि सिलेक्टर के आए में इसलिए नहीं आ पाता बच्चा, क्योंकि वो 5 मेजर टूर्नामेंट नहीं खेल रहा है, 5 या 10 मान लो 10 मेजर टूर्नामेंट नहीं खेल रहा है, और ना वो DDC लीग खेल रहा है, तो वो सिलेक्टर तक बात नहीं पहुंचती। वो क्या है कहीं पे भी, मतलब वो कहते हैं ना जंगल में मोर नाचे किसने देखा, किसने देखा तो यही चल रहा है दिल्ली में। अब कितने 50,000 क्रिकेटर हो चुके हैं, रोज मैच खेलते रहते हैं, रोज आप मेरा फोन अगर चेक करेंगे, रोज 100 की मेरे पास 100 रन बनाने की कम से कम 10 कटिंग आती है कि भैया मैं तो वहां 100 बनाया था, मैंने कहा, कह रहा है पानीपत में, मैंने पानीपत में मैं थोड़ी जाऊंगा देखने मैच नहीं पाना। तो मेजरली क्वालिटी पे बहुत फोकस करना पड़ता है। और एक आपको और भी इसमें प्लस पॉइंट बताऊं कि बहुत सारे इंडिया प्लेयर्स खेलते हैं ये बड़े बड़े टूर्नामेंट। दिल्ली में क्या है, मैं चलो बहुत ब्रूटली बोलूंगा कि बहुत ज्यादा स्कीम वाले लोग बैठे हैं, बहुत फॉल्स प्रोमिसेस करने वाले लोग बैठे हैं, मैंने भी सफर करा है, हर दिल्ली का क्रिकेटर सफर करता है। जी। तो इस वीडियो के मैं लाइक एक मीडियम से मैं बताना चाहता हूँ यार कि उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए किसी को भी कि मैं तो तू मुझे इतना अमाउंट कर या मेरा काम करा दे और मैं तेरा तेको ये खिला दूंगा वो खिला दूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको रन बनाने ही पड़ेंगे, टैलेंटेड होना पड़ेगा, बिना रन के आपके लिए कोई नहीं बोलेगा सर। जयंशु थोड़ा मैं यहाँ क्रॉस कर रहा हूँ आपको और रॉबिन को, रॉबिन भी सुन रहा है मुझे,
आजकल एक इश्तिहार आ रहा है, फेसबुक पे भी आ रहा है कि भाई मैं आपको अलग स्टेट से नॉर्थ जितने भी नॉर्थ रीजन के जितने भी है मैं आपको रणजी ट्रॉफी खिलाऊंगा इतना पैसा भी। ये बंदा है कहाँ का आपको मालूम है, नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो ये चीजें क्या वाकई में सच है या गलत है? बच्चे लोग काफी पेरेंट्स भी आते हैं पूछते सर इतना पैसा 6 लाख रुपया देके अंडर 16 मिलेगा, 4 लाख रुपया देके अंडर 14 खेलता है बच्चा, रणजी ट्रॉफी के लिए 7 लाख, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर मैं एक छोटा सा एक बार, हाँ ठीक है रॉबिन भी आप बोलो, आप बेटर जानते हो जी। मैं इसमें ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए सुने सुनाई बातें हैं तो अब इसमें तो क्या बोलना, मतलब कोई कमेंट मैं कर नहीं सकता है, तो सुनी भी बातें मेरी देखी भी चीज नहीं तो इस पे तो मैं क्या ही बिलीव करूं। लेकिन मैं एक चीज उन्हीं पेरेंट्स से पूछना चाहता हूं, क्या 6 लाख रुपए में आपका बच्चा क्रिकेटर बन जाएगा? क्या 20 लाख रुपए देके रणजी ट्रॉफी खिला के आपका बच्चा क्रिकेटर बन जाएगा क्या? जी वो सिर्फ वहां पे अगर आप, अगर एक चीज बताइए, अगर आप ठप्पा लगाने बेच रहे हैं उसको तो उसका क्या फायदा है? आपको खिलाना ऊपर है ना, तो आपको बड़ी स्टेट से ट्राई करना चाहिए। छोटी स्टेट से आपको सिर्फ रणजी ट्रॉफी खिला के क्या उसको कोई सरकारी जॉब दिलानी है? वो भी नहीं मिलती है, वो भी टॉप नॉच प्लेयर्स को मिलती है आज के दिन में। तो आप मेरे को ये चीज बताओ कि ये करवा के भी आप क्या करने वाले हो? और बाकी सर देखिए सुनी सुनाई बातें हैं, आज मैं भी नॉर्थ ईस्ट की एक मैंने टीम को मैंने भी ज्वाइन किया है, तो मेरे को तो मैंने तो उनको सिर्फ अपना रेज्यूमे भेजा था और उन्होंने मेरे को यस कर दिया मेरा रेज्यूमे देखते ही। तो मैं चीज काफी स्ट्रॉन्ग है, आपका एक्सपीरियंस क्रिकेटर हो, बट आज भी ये फेसबुक पे भी काफी फेमस हुआ था ये बंदा। मैं किसी चीज को मुझे भी इंक्वायरी आती है, लोग पूछते हैं सर ये सही है क्या? तो सिंपल शॉर्ट में कहूंगा कि क्रिकेट में शॉर्टकट कुछ नहीं है, ये शॉर्टकट वे है। और उन्होंने ये भी बताया था कि 30-35 हजार रुपया हम लोग रजिस्ट्रेशन का लेते हैं वगैरह जो भी है। और सर इस पे एक मैं चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, जयंशु जी प्लीज। हाँ जी, जैसे कोलाज भी गया, डीवाई पाटिल और ऐसे बहुत हाईलाइटेड टूर्नामेंट्स खेलते हैं, तो मेरे पास भी आते हैं, रॉबिन भैया के पास भी आते हैं, और पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि आप अपने ना पूरे साल का खर्चा बता दीजिए, हम आपको ये चेक दे रहे हैं, ऐसा कर लीजिए। तो मैं उन्हें वही चेक वापस पकड़ाता हूँ, मैंने मेरे को इस अकेडमी से घर नहीं चलाना है, वी आर वर्किंग फॉर द क्रिकेटर्स राइट नाउ, क्रिकेटर्स हमारे लिए काम नहीं कर रहे, वी आर वर्किंग फॉर द क्रिकेटर्स। मैंने आप पकड़िए ये चीज, उसके लिए अच्छा डाइट प्लान, लाइक डाइटिशियन ढूंढिए, जिम ट्रेनर ढूंढिए, अच्छा कोच ढूंढिए इसी मनी से, और जब वो अच्छा प्लेयर बन जाएगा ना, आप किसी को आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी कि यार मेरे बच्चे को खिला लो। इसीलिए ही सेम स्टेट में होता है कि ठीक है सर 2 मैच के लिए आप खिला लोगे वो पैसे देकर, तीसरे मैच में क्या होगा? 2 मैच में रन नहीं करेगा तो तीसरे मैच में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो प्लेयर अच्छा होगा तो चलो ठीक है, वो 2 मैच के बाद तीसरा भी खेलेगा, चौथा भी खेलेगा, ऊपर भी खेलेगा। ये चीज क्या रियलाइज मेरे सर, मेरे जो मेरे फादर साहब थे जो अब तो नहीं रहे वो इस दुनिया में, लेकिन वो मेरे को हमेशा एक चीज बोलते थे जब मैं छोटा होता था जी, कि बेटा जिस दिन बेटर क्रिकेटर बनने के लिए तेरे को रातों में नींद नहीं आएगी ना, उस दिन तो बेटर क्रिकेटर बनेगा। क्या बात है, उनके लिए सलाम तो, भाई मेरे तरफ से। तो वो मेरे को हमेशा ये चीज बोलते थे, और मैं हमेशा इसीलिए मैं हमेशा से परफॉर्मेंस इसलिए करता हुआ आया था क्योंकि मुझे बेटर होना है। मैं आज भी इसलिए प्रैक्टिस करता हूँ कि मुझे बेटर होना है, मुझे बेटर क्रिकेटर बनना है। भले ही मैं इंडिया नहीं खेला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं जितने इंडिया खेल रहे हैं उनसे कम था, कम तो मैं किसी से भी नहीं था। अगर मैंने अब सर इतने रन बनाए, इतने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, तो लाइफ जिंदगी में कुछ तो किया ही होगा ना, तो मतलब मैं जो लाइफ में डिजर्व करता था वो मैंने जरूर किया। और मैंने हमेशा हमेशा हर बच्चे को भी यही बोलता हूँ और जो शॉर्टकट्स होते हैं कि आप बेटर क्रिकेटर बनो, मेहनती क्रिकेटर बनो। जिस दिन रात को सही में तुम्हें एक्चुअल में हुआ है सर मेरे साथ, मेरा कोई इनिशियल मूवमेंट था वो मेरा बैट नहीं रहा था, मेरा क्या बैकलिफ्ट बाहर से आ रहा था। मैं आपको सही बात बताऊं, मेरे को रातों को नींद आनी बंद हो गई थी। अगर मैंने कहा यार ये अगर ये सही नहीं हुआ तो मैं रन बनाऊंगा कैसे जी, मेरे को कोई अंदर बॉल फेंकेगा मैं डंडी भी खा जाऊंगा, बोल्ड हो जाऊंगा। और अगर मेरे को कोई क्या बोलते हैं, अगर मेरा इनिशियल मूवमेंट ठीक नहीं हुआ तो मैं पैड भी खा जाऊंगा, तो मेरे तो रात को नींद आनी बंद हो गई। मैंने सर मानोगे नहीं आपको 4-4 घंटे 5-5 घंटे खड़े होके नेट पे मैंने ये चीजें ठीक करी है कि बॉलर थक जाता था उसको ये बोलता था कि बस वो हाथ घुमा के ऐसे फेंक दे बॉल। तो मेरे मैं उसमें एक बॉलर था सर, मैं उसमें एक बॉलर था, मैंने कम से कम 1 लाख बॉल फेंकी है रॉबिन भैया को। 1 लाख तो बहुत कम है, मैं आपको वही बोल रहा था। 9 घंटे का प्रैक्टिस सेशन सर, 9 घंटे का प्रैक्टिस सेशन रहता था,
एंड हम सुबह 7 बजे स्टार्ट करते हैं और शाम को 5 बजे निकलते थे क्योंकि 6 बजे दिल्ली में ट्रैफिक बहुत रहता है, ट्रैफिक बहुत रहता है तो घर निकल, ट्रैफिक अगर नहीं रहता और हमारे पास अगर बढ़िया और हमारे पास होता ना तो हम हो सकता रात को ही निकलते, रात को पता चले वही सो रहे हैं, एस्ट्रोटर्फ भी सो रहे हैं वहीं पे। इसी को जुनून बोलते, इसी को जुनून बोलते हैं क्योंकि लगन जो होती है ना, ये लगन टाइम के, बिल्कुल लगन टाइम के, टाइम को देख के नहीं होती जी। जब दिल में वो एक सेटिस्फेक्शन होता ना, अब मैं तैयार हूँ कल मैच के लिए, अब मैं जाके मेरे को आराम से, मेरे को जैन शो, ये जो आपका कोलाज स्पोर्ट्स क्लब इज द ओल्डेस्ट एकेडमी इन दिल्ली, एक वेल नोन एकेडमी, ओल्डेस्ट क्लब इन दिल्ली सर, मतलब ओल्डेस्ट क्लब इन दिल्ली, हां एकेडमी कितने साल से चालू हो गई आपकी एकेडमी? अभी हमने साल भर पहले ही स्टार्ट करा है, उससे पहले हम स्काउटिंग और वो सारा प्रोसीजर करते थे एंड फिर हमने सोचा कि खुद का ही एक सेटअप बनाते हैं एंड उसी के अंदर ही सारे प्लेयर्स को नर्चर करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो पहले हम स्काउटिंग बेसिस पे चलते थे, हम ट्राई करते थे कि जो छोटे छोटे स्मॉल टाउन बॉयज हैं या कुछ है, हम एक्चुअली एनजीओ हैं, कुलाल स्पोर्ट्स क्लब इज एन एनजीओ, तो हम जितने भी अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं या मतलब जिनमें स्पार्क है ना, दम है, उनको हम स्पॉन्सर भी करते हैं जी। क्या बात है, उनको हम स्टाइपेंड पे भी रखते हैं। तो हम पहले उस मॉडल पे काम करते थे बट फिर ड्यू टू दी लाइक एंगेजमेंट ऑफ सो मेनी पीपल, सबने हमें इतना बोला कि आप अकेडमी स्टार्ट करिए, कोलाज में हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने फिर अभी लास्ट 1.5 साल में हमने अपनी अकेडमी भी खोली है जिसका रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा मिला है। यानी कि ओल्डेस्ट क्लब है आपका, काफी रेपुटेड क्लब है और दिल्ली में जैसा क्लब होना बहुत जरूरी है, जो हमारी बात हो रही है। हाँ जी, तो आपके अलावा और कितने एकेडमीज है जो ऐसे वेल नोन जो चल रहे हैं, जो कुछ काम कर रहे हैं? जैसे आप तो एक तो एनजीओ का काम कर रहे हो, मीन सोशल कॉज ही काम कर रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो और ऐसे कौन सी एकेडमी है दिल्ली में फिलहाल जो आपके दिल्ली में? हाँ जी सर, दिल्ली में ना गिनी चुनी एकेडमीज है। एक मैं पहले जहाँ पे जाता था एलवी शास्त्री में मैं जाता था, संजय भारद्वाज सर हैं, सबने उनका मतलब पूरे वर्ल्ड ने नाम सुन रखा है उनका तो। एंड दूसरे आपका सोनेट एकेडमी है जो तारिक सिन्हा सर का है, दे हैव गिवन द मोस्ट नंबर ऑफ इंडियन प्लेयर्स, तो वो रहता है एक। फिर हमारा थोड़ा सा अगर हम इधर जाएंगे तो आपका एक टेलीफंकन क्लब है, वो भी अच्छा है, मदन शर्मा सर है जो शिखर धवन के कोच है, तो उनकी अकेडमी है। मैं अंडर 14 अंडर 16 के टाइम में वो हमारे टीम के कोच थे तो मैं उनके अंडर भी प्रैक्टिस कर चुका हूँ काफी टाइम। तो यही मतलब मेनली तीन ये अकेडमीज हैं जो एक अभी नई अकेडमी, मतलब नई तो नहीं, अभी एक अच्छा एक और अकेडमी आया है नजफगढ़ साइड में, थोड़ा सा दूर मतलब दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, स्पोर्टिंग क्रिकेट क्लब के नाम से। तो ललित यादव आपने सुना होगा नाम, दिल्ली से भी खेलते हैं, आईपीएल भी खेल रहे हैं, तो वो वहां से हैं, तो वो भी एक काफी अच्छी एकेडमी अब आ रही है, काफी उनके प्लेयर्स आ रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा वो है, बट उनके पास खुद का भी लाइक डीडीसी में क्लब नहीं है। तो क्लब होना बहुत जरूरी है, हर जगह पे, हर जगह पे आप कहीं भी जो आप भले आपके, तो दिक्कत ये आती है कि भाई प्लेयर हम बनाते हैं फिर वो क्लब के उसको अरे यार आपके क्लब में बच्चे को खिलाओ, तो ये सब जगह एवरीवेयर ऑल ओवर इंडिया में ये चल रहा है। तो जियांशु मैं एक खास बात करना चाहूंगा ये कोलाज स्पोर्ट्स क्लब के 5 ऐसी चीजें बताओ जो खासियत है जो बच्चे लोगों तक जाए, जितने भी लोग देखे उसका फायदा उठा सके, और मेरे ख्याल से हमारे क्रिकेट ग्राफ माध्यम से और ये जो हेल्थ एनर्जी ड्रिंक के माध्यम से हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं तो मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे और मैक्सिमम बच्चे लोग आप तक आए, तो 5 ऐसी चीजें मैं जानना चाहता हूँ आपकी। सर सबसे बड़ा इसके अंदर जो मैं एक पॉइंट बताऊंगा जो कोई भी अकेडमी दिल्ली में इंडिया में बहुत कमी लोग कर रहे होंगे या कुछ ऐसा है कि कोई भी हमसे पूछता है या आजकल के इनसिक्योर बहुत रहते हैं क्रिकेट के लिए लोग कि यार किसको ट्रस्ट करें किसको नहीं करें, क्योंकि मॉनेटरी इश्यूज भी रहते हैं, फॉल्स प्रोमिसेस भी रहते हैं। तो हमारे साथ सर ये है कि वी आर अ बिग बिजनेस ग्रुप, तो हमारे लिए कुलाज सर सिर्फ एक एनजीओ है, हमारे लिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम मेरी पूरी फैमिली बहुत क्रिकेट से बहुत लगाव रखती है, एक भी आईपीएल मैच नहीं मिस करते हम लोग। तो हमारा मेन जो मोटिव है कि कोई जो बच्चा है और वो उसको क्रिकेट खेलनी है तो हम उसे प्रॉपर चांस देते हैं, एंड अगर वो जैसे हमने सर इवन हमने कुछ लोगों को जॉब में भी रख रखा है कि अगर वो जैसे हमारे एक प्रदीप पराशर है उनको हमने जॉब दे रखी है, एंड सर ऐसा लेफ्ट आर्म स्पिनर आपने कहीं नहीं देखा होगा, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट प्ले एट द ग्रेटेस्ट लेवल एंड जॉब भी नहीं मिला, तो हमने उन्हें जॉब ऑफर करा है।
तो हम वो भी इसमें सिस्टम करते हैं। तो सबसे बड़ा इसके अंदर पॉइंट रहता है सर कि बाकी अकेडमीज को प्रॉफिटेबिलिटी का सोचना पड़ता है, बट हम सर ये प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं करते। हम सीरियसली पूरे दिन मैं डेडिकेटेड रहता हूँ कि बच्चों का कैसे भला करना है, बच्चों को क्या रिक्वायरमेंट है। आज की डेट में सर हमारे पास लाइक रेडबुल भी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टेड था, टिकटॉक ने हमारे साथ शूट कर रखा है, जितना उन्हें पीआर चाहिए होता है पीआर हम सारा प्रोवाइड करते हैं, न्यूज़पेपर एजेंसीज बहुत सारी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो हमने क्या है सर एक इकोसिस्टम बना रखा है। अगर एक नॉर्मल सा प्लेयर को क्या चाहिए सर, अच्छी प्रैक्टिस, अच्छे मैचेस, अच्छा माहौल और अच्छा पीआर और अच्छा डाइट का भी एक तरीके से कह सकते हैं। तो हमारे पास सर खुद के हमारे ट्रेनर्स भी हैं, खुद का हमारे पास एकेडमी का सेटअप है, खुद का हमारे पास क्लब है, खुद का हमारे पास न्यूज़पेपर के हमारे इतने कनेक्शंस हैं कि कोलाज अगर कहीं खेल रही है तो उसकी न्यूज़पेपर कटिंग आएगी ही आएगी विद नो एक्स्ट्रा कॉस्ट फ्रॉम द किड और कुछ भी। और हम सर कोई भी सीनियर टूर्नामेंट का, जैसे यूजुअली दिल्ली में क्या होता है कि टूर्नामेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं बच्चों से कि एंट्री फीसेस देने के लिए, एंट्री फीसेस आपकी 50,000 रहती है, तो हम उसमें ये नहीं करते। हम अंडर 19 के बाद से जो बच्चा अच्छा होता है उसको बिल्कुल ही फ्री बेसिस पर हम खिलाते हैं, जबकि अगर उसे और नीडी होता है तो हम ही उसे पे करने लग जाते हैं पर मैचेस के बेसिस पर कि हम ही एंट्री भरते हैं टूर्नामेंट्स में, हम ही पूरा स्टेज सेट करते हैं, हम ही उसे पे करते हैं। तो बाकी अकेडमीज में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, बाकी अकेडमीज में इवन DDCA लीग के लिए भी लोग पैसे ले लेते हैं जबकि वो फ्री लीग होती है। तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है जो दिल्ली के क्रिकेटर सुन रहे हो कि DDCA लीग के लिए कभी कोई चार्ज नहीं होता है, फ्री में होती है। यू डोंट हैव टू पे अ पेनी, यू जस्ट हैव टू बी अ गुड क्रिकेटर एंड इफ समवन इज चार्जिंग यू, कोई आपसे पैसे ले रहा है तो आप मत दीजिए क्योंकि फ्री में होती है सर। DDCA हमसे कोई चार्ज नहीं देता जबकि चार्ज हमें खर्चे भी देता है वो, उसमें पानी वानी सब DDCA से प्रोवाइडेड होता है, ग्राउंड अंपायर, उसके लिए एक पेनी नहीं पे करना पड़ता। बट DDCA में ये दिल्ली क्रिकेट में क्या है लोगों ने पैसे ले लेकर खिलाना स्टार्ट कर दिया है। नहीं ये बहुत काफी बड़ी जानकारी आपने दी। और एक जो अभी मैं रॉबिन से भी ये पूछना चाहता था, अनफॉर्चुनेट रॉबिन को भी या रॉबिन सुनेगा या मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये एज का जो मैनिपुलेट का जो होता है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर मेरा जो मानना है कि बाद में जाके तो सबको अंडर 23 के बाद जाके तो सबको एक साथ ही खेलना है, एंड ये बात है कि अगर आप टैलेंटेड होगे या आप अच्छा खेलते होगे तो आप 20 साल के हो तो भी आप हो सकता है IPL में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, और आप 25 साल के हो और आपने मान लो अपनी एज 18 साल करा रखी है एंड उसमें भी आप अच्छे इतने क्रिकेटर नहीं हो या स्पार्क नहीं है तो भी आपको नहीं खेलने को मिलेगा। इतना सर आजकल की आज की डेट में मीडिया इतना इन्फ्लुएंस करता है। लाइक अभी आपने जैसे सूर्य कुमार यादव जी की बात करी तो उनका ऐसा सिस्टम है कि पूरा मीडिया सपोर्ट है उनके पास, पूरा सोशल मीडिया का सपोर्ट है, तो हर कोई चाहता है वो, क्योंकि सर मतलब वो कहते हैं ना सर कि अच्छा क्रिकेटर होगा तो हर कोई सपोर्ट करेगा। सही, तो उसमें सर आप 10 साल मतलब 18 साल के बच्चे को 10 साल का कर लो, क्रिकेट तो अच्छी खेलनी ही पड़ेगी। मैं वही कह रहा हूँ कि चाहे आप 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, आप अपनी प्रॉपर्टी दूसरों के नाम करा दो, अच्छी क्रिकेट नहीं खेलोगे कोई नहीं पूछेगा सर। नहीं नहीं एक सराहनीय बात यह है कि जयंशु आप लोग जो एक NGO चला रहे हो बिना पैसे लिए, बिना किसी से लिए, जैसे छोटे छोटे मैचेस के लिए भी लोग यहाँ पैसे लेते हैं, टूर्नामेंट में एंट्री डालने के लिए पैसे लेते हैं, खिलाने के लिए, मैं तो सुनता हूँ कि छोटे उनके क्लब के कार्ड बनाने के लिए भी पैसे लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें। नहीं सर एक थोड़ा सा करेक्शन है, हम बस अपनी अकेडमी में जब चलाते तो अकेडमी की एक फीस लेते हैं, उसके अलावा हम कोई फीस नहीं लेते क्योंकि मतलब अकेडमी चलानी है तो फीस हमें एक चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि फ्री की सर्विस आपको पता है फिर लोग कैसे ट्रीट करते हैं। बिल्कुल उसका कोई नाम नहीं होगा, ना कोई उसको गिनेगा बाद में, ना कोई उसकी वैल्यू बढ़ती है और वैल्यू बनती है। एग्जैक्टली एक आपने ये भी बात अच्छी कर दी कि भाई एक जो आपके पास एक पराशर बात कर रहे हो ना आप बोलर्स प्रदीप पराशर, हाँ जी हाँ जी प्रदीप पराशर जो अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं उनको जॉब नहीं मिला बट आपके NGO के थ्रू या ये कोला स्पोर्ट्स के माध्यम से आपने उसको भी नजदीक लेके उनको, हाँ जी सर हमने अपने ही कोलाज में जॉब दिया है, हमने उनको भी एक जॉब दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि भाई आप ऐसा ही कोला स्पोर्ट्स क्लब एक बड़ा प्लेयर, बड़ी एकेडमी बने, बड़े नाम रूप से अच्छे प्लेयर यहाँ बने, अच्छे प्लेयर यहाँ आके प्रैक्टिस करके अपना नाम बनाए। क्योंकि सर हमारा एक अभी हम मॉडल भी स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज हम जैसे मेरी खुद की एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी है, हम मतलब हम एक बड़ा बिजनेस ग्रुप है, तो हम ये चाहते हैं कि हम अपनी कोलाज के नाम से फ्रेंचाइज भी देना शुरू करें
ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जगह पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा क्रिकेटर्स कवर करें, क्योंकि हमारा एक मानना है कि हमारे पास सर जो आएगा ना वो एक सिक्योर्ड स्पेस में आएगा जी। उससे ना सर हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, ना आप कह रहे हैं कार्ड बनाने का, हम तो कार्ड भी नहीं बनाने का चार्ज लेंगे सर, कोई ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा क्रिकेटर होगा हम बिल्कुल प्रमोट करेंगे, जितना दम होगा हमें हम सारा लगाएंगे। नहीं, ये आमतौर पर सब हर अकेडमी में चल रहा है, मैं देखता हूँ सुनता हूँ लोगों से। और अभी ये जो काफी अच्छी बात है कि आप एक फ्रेंचाइजी भी स्टार्ट कर रहे हो, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि ये जो एकेडमी में जो अभी लेवल चलता है, लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री, इसको कितना मद्देनजर रखते हैं आप कि भाई ये होना चाहिए या कोई और भी प्लेयर उतना ही काम कर सकते हैं या अच्छा कोच बन सकते हैं? पहले तो ये लेवल नहीं था। हाँ जी सर, कोचिंग लेवल्स की आप बात कर रहे थे जी। सर मैं थोड़ा ये मानता हूँ कि ठीक है सर्टिफिकेशन इम्पोर्टेंट है, जैसे इवन अगर हम इसे एजुकेशन के हिसाब से देखें तो एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है, पर सर कहीं भी आप देख लीजिए, चाहे कहीं हार्वर्ड से भी बंदा पढ़कर आता है तो भी कंपनी कहती है यार कि 5 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जी। बंदे के पास एक्सपीरियंस नहीं होगा ना सर तो कोई भी नहीं लेता। तो कोच वही एक बड़ा है, वही एक अच्छा है जिनके पास एक्सपीरियंस हो। और एक और क्रिकेट में थोड़ा चीज एक आता है सर कि सूट करना चाहिए, एक बच्चे को अपना कोच सूट करना चाहिए। जो दवाइयां होती है ना सर की दवाइयां क्या करती हैं कि बॉडी को बेटर बनाती हैं, सप्लीमेंट्स बेटर बनाते हैं, सूट करते हैं। तो अगर कोच एक प्लेयर को सूट करता है ना तो क्रिकेटर बहुत जल्दी ग्रो करने लग जाता है। लेवल वन लेवल टू से नहीं इतना मेरे को रहता कि अगर एक क्रिकेटर कन्वे कर सकता है सब कुछ अपने कोच को और कोच उसे पूरा कॉन्फिडेंस दे सकता है, मोटिवेट कर सकता है, तो सर वो लेवल वन लेवल टू हम नहीं देखते, फिर तो आप ही हमारे कोच हो, वो इम्पोर्टेंट है। नहीं, बहुत बड़ी बात कह दी आपने और ये काफी मायने रखती है। क्रिकेटर्स आज की डेट में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रहता है अब तो ग्रास रूट लेवल प्लेयर्स से, बड़े परेशान रहते हैं कि मेरे रन नहीं बन रहे भैया, मेरा कवर ड्राइव ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, 10 चीजें। आपने आप भी सर कोच है, आपको भी पता ही है। तो मेरा उनसे ये कहना है यार क्रिकेट तुमने स्टार्ट करी थी इंजॉय करने के लिए, खेलना तुमने स्टार्ट करा था कि यार हम इंजॉय करेंगे, ठीक है प्रोफेशन बन गया है सब कुछ हो गया है, पर प्राइमरी जॉब जो मेरा हमारा जैसे कुलाज का है कि क्रिकेट प्रमोट करना, तुम्हारा प्राइमरी जॉब है उसे इंजॉय करना जी। तो वो चीज जब तक नहीं भूलोगे ना अपने आप ऊपर चले जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। बहुत 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 मैं बोलता हूँ बहुत मायने रखती है बात को, क्रिकेट एंजॉय करो। बाद में सर इतना प्रेशर आ जाता है कि वो एंजॉय करना भूल जाता है बच्चा। नहीं, काफी डिप्रेशन आ गया। अभी हमारे यहाँ मुंबई में एक बच्चे ने सुसाइड भी कर लिया किसी। हाँ जी सर, सुना मैंने, पेपर में भी आया था, तिवारी करके था। हाँ जी, हाँ जी, मीडियम पेसर था मेरे ख्याल से, मीडियम पेस बॉलर था बच्चा। तो ये दोबारा ना हो उसके लिए मेरे ख्याल से ऐसे इंसिडेंट्स ना हो उसके लिए कोला स्पोर्ट्स क्लब है, अवेलेबल है, या और भी कोई इंस्टीट्यूट रहेंगे आप जैसे और भी रहेंगे, आपको देख के और लोग इंस्पायर हो जाएंगे और लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये सब कारवा तो चलता रहेगा। और जयंशु, आप चलते चलते हमारे क्रिकेट ग्राफ के बारे में कुछ कहना चाहोगे? नहीं, क्रिकेट ग्राफ के सर अभी जैसे मैंने कंक्लूड मतलब वो पहले भी बोला कि सर जी, एक प्लेयर को रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। मैंने सर लेट्स जैसे मैंने एक जगह 5 विकेट लिए मैंने, अब सर वो वाली बात कही मैंने कि जंगल में मोर नाचे किसने देखा, किसने देखा? पर उस मोर को आप उठा सकते हो। बिल्कुल, क्रिकेट ग्राफ वो सपोर्ट करता है, वो एक असिस्ट करता है कि हाँ यार इस लड़के में दम है, हम इसको प्रमोट करेंगे। मैं मतलब अब तो मैं ऑलमोस्ट पूरी क्रिकेट ग्राफ फैमिली से ही जुड़ा हुआ हूँ, पूरे टाइम में तो सबके साथ ही मैं मतलब चलता रहता है मेरा इंटरेक्शन थोड़ा बहुत, मेरे ख्याल से 5-7 लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन है। तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं सर, पूरे हर तरीके से आप ग्रास रूट लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं, बच्चों को रिकग्निशन दिला रहे हैं। अच्छे प्लेयर को सर क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, वो आप लोग दे रहे हैं उसको, तो उसके लिए ही सर प्लेयर क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है। तो क्रिकेट ग्राफ को सर मेरा बहुत बड़ा सल्यूट है एंड बहुत मैसिव रिस्पेक्ट है आप लोग। मुझे पता है क्रिकेट ग्राफ जब स्टार्ट हुआ था तो सर मेरे ख्याल से 1000-2000 फॉलोअर्स हुआ करते थे, आज की डेट में तो सर इतना बड़ा हो गया है। तो मैं सबको ये व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में दिल्ली के मैचेस के हमारे मैचेस के क्रिकेट ग्राफ कवर करता था और तब हम सोचते थे कि यार मतलब ठीक है। एंड आज की डेट में मुझे लोग कहते हैं कि क्रिकेट ग्राफ में यार आप जानते हो तो हमारा एक आर्टिकल निकलवा दो। मैंने तुम अच्छी क्रिकेट खेलो वो अपने आप निकालेंगे। बिल्कुल, हम तो ढूंढते हैं, हमारा काम ही है ढूंढना। कोई ट्रांसपेरेंसी रखना आज की डेट में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और ये ऐसा मंच है कि यहाँ ओपन है, आप आपकी दिल की बात कह सकते हो और
कोई कंट्रोवर्शियल नहीं, किसी को दुखाने जैसी बात नहीं करते हम लोग, ना किसी को हर्ट हो जाए या किसी पे उंगली उठाया जाए। सब बस एक ही मकसद है, अच्छे क्रिकेटर को हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना दे। जैसा आप काम कर रहे हो, आप लोग ग्राउंड पे कर रहे हो, हम लोग स्क्रीन पे काम कर रहे हैं। तो जयंशु, मैं क्रिकेट ग्राफ और हमारे हेल्थ एनर्जी ड्रिंक को पावर्ड की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इधर आए, आप और रॉबिन दोनों एक अच्छे वेल नोन लोगों से आज मेरी बात हुई, और ये जो इंटरव्यू है काफ़ी मोटिवेशनल रहेगी, काफ़ी न्यू कमर बच्चे लोगों के लिए, नवोदित बच्चे जो भी क्रिकेटर देखेंगे, और मेरे ख्याल से उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा और डे बाय डे डेवलप होगा। और ये मैं अक्सर कहता रहूँगा कि भाई आपकी एकेडमी आगे बढ़े, और मेरे को हर एक वक्त मौका मिले कि भाई आपसे रूबरू हूँ, आपसे इंटरव्यू करता रहूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी सर, थैंक यू।